हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी आज होउची 1 अगस्त 2020 सकाळर सबु किछि गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट न्यूज अपडेट देखि परिबे। सर्वप्रथमे जानिबे ट्रेन चलाचल को नै आसिला बड़ खबर, ता सहित दुई नंबर अपडेट रे ओडिसा रे आज केते जण सुस्थ होइकिरी घर को फेरचंती, आपण को जिल्लारु केते जण सुस्थ हेले, ता सहित तीन नंबर अपडेट रे मोदी सरकार को बड़ झटका चीन को देले, ता सहित चार नंबर अपडेट रे आज ओडिसा रे अनलॉक 3.0 आरंभ होउची, कौन खोला रहिबो कौन बंद रहिबो, लॉकडाउन केते दिन बढ़ी कि शटडाउन को एरिया को करा जायची, सेथिपाई आपण को अनुरोध वीडियो टी शेष जाए निश्चय देखिबे, आपण को भलो पाइबा देबे, वीडियो को लाइक करिबे, जदि चैनल को सब्सक्राइब करनती समस्त तळ थिबा लाल कलर बटन टी को टच करी सब्सक्राइब करिबे, पाखरे बेल बटन टी को टच करी ऑल नोटिफिकेशन ओके कर रखे, जहा द्वारा सकाळर सब खबर जानि पारिबे। वीडियो को जमारु स्किप करंतुनी, जदि आपण वीडियो को स्किप कर देबे ताहाले पश्चिम ओडिसा ठु नै उत्तर ओडिसा दक्षिण ओडिसा ठु नै पूर्व ओडिसा रो समस्त जिल्ला रो खबर पाई पारिबे नै, सेथिपाई वीडियो टी शेष जाय निश्चय देखंतु। आजिर प्रथम खबर, अगस्त मासरे 50% कर्मचारी को नै चालिबो सरकारी ऑफिस। सूचना अनुसार कोरोना भाइरस व्यापक स्थिति को देखि राज्य सरकार निष्पत्ति नेइचेंती, एणिकि अगस्त मासरे 50% कर्मचारी रे चालिबो सरकार ऑफिस। एहा सह एहा अगस्त मासरो प्रति शनिवार रे सरकारी ऑफिस बंद रहिबो, एनेइ नियमावली जारी करिचेंती प्रशासन, शनिवार रे समस्त ऑफिस बंद रहिबो। तीर परवर्ती खबर, अगस्त 31 तारीख जाए आंतर्जातिक विमान सेवा बंद हला। सूचना अनुसार कोरोना महामारी व्यापुथिबार देखि सरकार आंतर्जातिक विमान सेवा को अगस्त 31 तारीख पर्यंत बंद करिबाने घोषणा करिसेंती। एने वर्तमान जो अपडेट आसी आंतर्जातिक विमान सेवा सस्पेंड हेबा द्वारा भारत सरकार विदेश रे फसीथिबा स्वदेश को आणिबा पई वंदे भारत मिशन अभियान जारी रखिंटी, एथिपाई एयर इंडिया रो सहायता निया जाउची। आसंता अगस्त 31 तारीख जाए आंतर्जातिक विमान सेवा को बंद कर दिया जाइची। आजिर परवर्ती खबर, आज पुणी ओडिसारु सुस्थ हेले 772 जन कोरोना आक्रांत व्यक्ति, अपडेट देला स्वास्थ्य विभाग। सूचना अनुसार आपण को जिल्लारु केते जण सुस्थ होकर घर को फेरी जानी नियंतु, गंजामरु 212, कटकरु 116, खोर्धारु 81, केउंझरु 68, कोरापुटरु 41, रायगडारु 31, गजपतिरु 27, सुंदरगढ़ 24, जाजपुरु 21, कलाहांडीरु 20, सेहीपरि नवरंगपुरु 19, मयूरभंजरु 18, कंधमालरु 14, मालकानगिरु 12, संबलपुरु 11, पुरीरु वर्तमान सुधा कोरोना आक्रांत व्यक्ति सुस्थ होती, बरगड़ु 6, बलांगीरु 5, बालेश्वरु 4, सोनपुरु 1, झारसुगुड़ारु 8 कोरोना आक्रांत व्यक्ति सुस्थ होकर घर को फेरी। आजिर परवर्ती खबर, इंदिरा आवास टंकारे जीआरएस कोटिपति भंगा ददरा घरे योग्य हिताधिकारी जीवन। सूचना अनुसार इंदिरा आवास योजन महाघोटला योजन टंकारे जीआरसी कोटिपति होता बेले भंगा ददरा घर घर बारंडार बीतुची अनेक योग्य हिताधिकारी जीवन। एमती एक घटना केन्दुझर जिला हरिचंदनपुर ब्लक पिठागोला ग्राम पंचायत रे घटी थिबार अपडेट आसी, कारण एहि ग्राम रे प्रफुल्ल पल्लाई नामक जनक 2019-2020 मसीह रे सरकार को इंदिरा आवास योजन रे अंतर्भुक्त करा जाय थिला। प्रफुल्ल अति गरीब होइथिबारु घर बनाई पार नथिले, ता सहित एहार फायदा जीआरएस नैथिले घर बनाय कई अधिक योग्य हिताधिकारी ठारु टंका हड़प करी कोटि कोटि टंका हड़प करथिबार अभियोग आसुची, कारण ओडिसा रे दिन को दिन अति गरीब वर्तमान खटिकिया ठू आरंभ करी समस्त श्रमिक भाईंकर इंदिरा आवास ठू आरंभ करी प्रधानमंत्री आवास योजना हो कि विजु पक्का घर योजना रे एमिति घोटला देखिबा को मिलिची। कमेंट निश्चय करंतु आपन को प्रधानमंत्री आवास योजना कि विजु पक्का घर योजना मिलिची कि नाही। आजिर परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे उद्घाटन कले राउरकेला आईजीएच रे प्लाज्मा बैंक। सूचना अनुसार इस्पात नगरी राउरकेला रे आईजीसीएच रे खुलिला प्लाज्मा बैंक। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया रे एही प्लाज्मा बैंक रो
ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ସଫଳ ହେଉଛି। ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ 8 ଜଣ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକରି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ପ୍ଲାଜମା ଦାନକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ବୁର୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରି ଗୁରୁତର ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା 12 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବାକୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି 3 ଅଗଷ୍ଟରୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ପ୍ରତି ଶନିବାର ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଘେରରେ। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ 68% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସବୁ ସୁବିଧା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମେ ମାସରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପହାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମରୁ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆସିଛି, ଖାଲି ରାଉରକେଲା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ଲୋକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଅଭାବ ଅଛି। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଟୱାର୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ଘେରରେ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ 68% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ୍ର ଚାଲ କହୁଛି ହେଲେ ଘୁଞ୍ଚୁନି ଏଲ୍ଏସିରୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଚୀନ୍ ସୀମା ବିବାଦର ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। 4 ଥର କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଚୀନ୍ କଥା କାମରେ ତାଳ ଖାଉନି ବୋଲି ଭାରତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। କାରଣ ସୀମାରୁ ସେନା ପ୍ରତିହାର କରୁଥିବା ନେଇ ଚୀନ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ବି ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ପେଙ୍ଗଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ ସେନା ତାର ସୀମାରେ ରଖିଛି। ତାହା ସହିତ ସେନା ହଟାଇବା କଥା ଚୀନ୍ କହୁଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ଏଲ୍ଏସିରେ ସେନାକୁ ମୁତୟନ ରଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ଚୀନ୍ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାରତ ସୈନିକ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BS4 ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BS4 ଯାନକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ BS4 ଯାନ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଡିଲର ସଂଘକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି Unlock 3.0। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ରହିବ ନିୟମ ଅଲଗା। ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିଠାରୁ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ବସ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ କି ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଗୁ ରହିବ। ଏଠାରେ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ 2 ନମ୍ବରରେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାବେଶଗୁଡ଼ିକୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଙ୍ଗନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 31 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ 5 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଯୋଗ ସେଣ୍ଟର ଜିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବବତ ଚାଲିବ। ତାହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କେହି
तीन दिन पाई आसिले राज्य को क्वारंटाइन रहिबे नहीं मात्र तीन दिन रु अधिक हले क्वारंटाइन रे रही पारिबे ता सहित सेलून स्पा आदि सुरक्षा मानी कार्य करिपारिबे। अगस्त 1 तारीख रु 31 तारीख पर्यंत रात्रि 9 सकाळ 5 पर्यंत कर्फ्यू वर्तमान जारी हबो। पूर्वरु केन्द्र सरकार राति कर्फ्यू उठाई देथिबा बेले एठी राज्य सरकार नाइट कर्फ्यू को बलवत्तर रखिछन्ति। सेहिपरि अगस्त 1 बा आज 2 तारीख हबाको थिबा शटडाउन रे सामान्य कोहळ करिछन्ति राज्य सरकार। एही 2 दिन शटडाउन रे सकाळु वर्तमान दिन गोटाए पर्यंत वर्तमान सबु किछि खोला जाय पारिबो। ताहा सहित जल जोगाण विद्युत जोगाण कर्मचारी मध्य शटडाउन समय रे कार्य करि पारिबे कारण लॉकडाउन चालछि। अनलॉक 3G रे ओडिसा रे कोन खोलिबो कोन बंद रहिबो आपण जानि पारथिबे। आजिर परवर्ती खबर प्रवासी श्रमिक को मिलूनी सेमानकर प्राप्य टंका। सूचना अनुसार ओडिसा सरकार पूर्वरु घोषणा करथिले जो माने बाहर राज्यरु आसुजंती क्वारंटाइन सेंटर रु घर को जीवा समय रे 2000 टंका दिया जीव मात्र मासेरु 2 मास हो जाइथिले। मध्य गंजाम जिला कविसूर्य नगर ब्लक सुनारीझल पंचायतर अधिक प्रवासी श्रमिक को ए पर्यंत निजर प्राप्य टंका 2000 मिलि पारुनि फळरे समस्त प्रवासी श्रमिक पंचायतवासी जाइथिले। ताहा सहित अपडेट अनुसार सरपंच आसी सेमानकु वर्तमान सेमानकर प्राप्य टंका देबा पई प्रतिश्रुति देइछन्ति। एठी प्रश्न उठुछि राज्य सरकार एते बड़ नियम करथिले मध्य ओडिसार विभिन्न जिल्ला रे विभिन्न पंचायत रे मास मास धरि प्रवासी श्रमिकर सेमानकर प्राप्य टंका मिलि पारुनि। आपण कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट ए पर्यंत आपण को निजर प्राप्य टंका मिलिछि कि नाही। आजिर परवर्ती खबर 10% अमानियाक पई 90% लोक विपदरे पडुचंती। सूचना अनुसार राज्य रे बढुतिबा कोरोना स्थिति कि देखि राज्य सरकार किछि नियम को कोहळ करथिबा बेले किछि नियम को अधिक कटकणा बढ़े दैछंती। आज ए प्रेस मीट रे कोरोना मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी कहिछंती लोकंक जीवन रक्षा करिबा आमर मुख्य लक्ष्य। आमर मृत्यु हार सारा भारत रे कम रहिछि ता सहित ओडिसा रो 90% लोक वर्तमान सोशल डिस्टेंस सहित मास्क पिंधुचंती नियम को कोविड नियम को मानुचंती किंतु 10% लोक मानु नहंती जहाद्वारा ओडिसा रे दिनकु दिन कोरोना आक्रांत संख्या वृद्धि पाउची। जीरो परवर्ती खबर अगस्त 3 रु लघुचाप ओडिसा रे प्रबल वर्षिव। सूचना अनुसार आसंता सप्ताह उत्तर पूर्व बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि होबार संभावना सृष्टि होइछि। मौसुमी उत्तर दिगरु दक्षिण दिगकु मुहाइबा पई परिवेश अनुकूल होइथिबारु पाणीपागरे परिवर्तन आसिबार सूचना मिलिछि। ताहा सहित 3 तारिखरु ओडिसा रे वर्षा लागि रहिबो। एही जिल्ला गुडीक हला जगतसिंहपुरी पुरी खोर्धा कटक नयागढ़ गंजाम कंधमाल बलांगीर ढेंकानाल अनुगुल सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा नवरंगपुर संबलपुर बरगढ़ झारसुगुड़ा कलाहांडी जिल्लारे प्रबल रु अति प्रबल वर्षार संभावना अछि। आजिर परवर्ती खबर ओडिसा रो पिछा छाड़ुनी दुर्नीति एठी रक्षक साजुचि भक्षक। सूचना अनुसार लांच मागी निलंबित हेले तालचेर रेंगाली ड्याम साइड थानार ASI। सूचना अनुसार लांच मागिबा महंगा पड़ी जणे पुलिस बाबूंकु लांच मागिबाकु नै निलंबित होउछन्ति तालचेर रेंगाली ड्याम साइड थानार ASAI कार्तिक बेहर। आजिर परवर्ती खबर होइजांतु सावधान जदि आपण मास्क न पिंधिबे ताहेले आपणकु दबाकु पड़िबो 5000 टंका जरिमाना। सूचना अनुसार कोरोना कटकणाकु आखि आगे रखि राज्य सरकार नुआ नियम जारी करिछंती। एणिकि मास्क न पिंधिले प्रथम थर पई नियम उल्लंघन अभियोग अनुसार 1000 टंका जरिमाना आदाय हेब। सेहिपरि परवर्ती समय रे बिना मास्क रे धरा पड़िले 5000 टंका आपण गठारु फाइन आदाय हेब बोली राज्य सरकार नुआ नियम जारी करिछंती। जदि आपणकु अनुरोध कराउछि बाहर को गले मास्क निश्चय पिंधतु नहले आपणकु 5000 टंका जरिमाना दबाकु पड़िबो। आजिर परवर्ती खबर सामना को आसिला मोदीक अयोध्या गस्तर कार्यसूची। मंच उपरे भगवत को समेत रहिबे 5 विशिष्ट व्यक्ति। सूचना अनुसार अयोध्या रे अगस्त 5 तारीख रे राम मंदिर निर्माण पई हेबाकु थिबा भूमि पूजा कार्यक्रम प्रस्तुति जोरसोर रे चलीछि। कार्यक्रम पूर्वरु अयोध्या को नववधि सजाई दिया जाउछि। ताहा सहित भूमि पूजा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या गस्त करिबे। तेबे
मोदीक अयोध्या गस्त कार्यसूची एवं सामनाक आसी कारण बुधवार 11:15 मोदी अयोध्या पहुँचे सेठे से प्रथमे हनुमानगढ़ी जा दर्शन करे यापर मोदी रामलला दर्शन कर भूमिपूजा कार्यक्रम सामिल हे सहित मंच उपरे मात्र 5 जन विशिष्ट व्यक्ति रहिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ता सहित आरएसएस मुख्य मोहन भागवत मंदिर ट्रस्टर अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मंच उपरे उपस्थित रहिबे बोली सूचना मिली यापर से दुपहर 2:00 अयोध्या प्रत्यावर्तन करे एने वर्तमान अयोध्या मानस मंदिर अधिकारी बैठक निष्पत्ति निजी। आज परवर्ती खबर 10 जाए झारसुगुड़ा जिले में साप्ताहिक सटडाउन जारी रूचना अनुसार महामारी कोरोना मुकबिला कटका मुक्त अनलॉक 2 पर शनिवार आज अनलॉक 3 आरंभ हो मात्र झारसुगुड़ा जिले में जारी होता समस्त कटकणा को 10 जाए बलवत्तर रहिबो बोली प्रशासन पक्षरु निर्देश जारी करिसेंती कारण वर्तमान झारसुगुड़ा जिले में कोरोना आक्रांत संख्या बढ़ुथिबारु जिला प्रशासन एपरी एक बड़ पदक्षेप नहीं अनलॉक 3 रे राज्य सरकार कटकणा कोहल करथिले झारसुगुड़ा जिले में 10 जाए साप्ताहिक सटडाउन जारी रहिबो। आज परवर्ती खबर भारत को 2G मुक्त करने को मुकेश अंबानी आह्वान सूचना अनुसार भारत को 2G मुक्त करने रिलायंस इंडस्ट्रीर मुख्य मुकेश अंबानी लक्ष्य रखिंट भारत को 2G मुक्त करने को भारत सरकार नीतिगत पदक्षेप नेवा आवश्यक बोली से कहते भारत में मोबाइल सेवा आरंभ होबार 25 पूर्ति उपलक्षे आयोजित एक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे वार्ता दे कहते समग्र विश्व 5G टेक्नोलॉजी व्यवहार करने को जाऊबा बेले भारत एवं प्राय 30 कोटी लोक 2G मोबाइल व्यवहार कर फल भारत जनता एक बड़ अंश डिजिटल विप्लवर लाभ उठाई पार ना आमको यह खोजाक हम भारत 2G बंद कर 3G 4G 5G चलेबाकु वर्तमान मुकेश अंबानी वर्तमान बहुत बड़ अपडेट देखते आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ वर्तमान सुधा आप 2G मोबाइल व्यवहार करदी आपण को न्यूज टी भल लगी आपण को मतामत निश्चय देबे वीडियो को लाइक करेंगे समस्त ओडिशावासी को शेयर करूँ समस्ते वर्तमान सुधा कौन खुला रहिबो कौन बंद रहिबो अगस्त मास रे जानी पारिबे।